मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मेक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ आलू और परवल की हलवाई स्टाइल सब्जी, जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स आलू और परवल की सब्जी बनाने। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम परवल लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से कट कर रखा है। एक परवल में दो टुकड़े करके और बीच से मैंने इसे कट कर लिया है। और 250 ग्राम मैंने आलू लिया हुआ है और चार छोटे साइज के प्याज को लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं सब्जी को बनाने। यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, इसमें हम डालेंगे पंचफोरन। पंचफोरन चटक चुका है, अब इसमें हम डालेंगे परवल को। परवल को हम डार्क फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने परवल को डाल दिया है, अब इसे हम भूनेंगे लो फ्लेम पे ही, जब तक कि ये डार्क फ्राई नहीं हो जाता है। लाइट फ्राई नहीं करते हैं, इसे डार्क फ्राई करेंगे। इसे हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ा यह अच्छे से पक जाए, फिर इसे हम पलट लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 6 टमाटर कट किया है और 4 प्याज, और थोड़ा सा अदरक लिया है, हरा मिर्च लिया है, लहसुन लिया है। इन तीनों को हम कूट लेंगे दरदरा सा, और टमाटर प्याज को तो ऐसे रहने देंगे। इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा डाल देंगे और जीरा डाल के इसे कूट लेते हैं। तो मैंने इसे इस तरह से कूट लिया है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो परवल भी काफी अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं फटाफट से। मैंने परवल को निकाल लिया है, इस तरीके से फ्राई करना है। ज्यादा आप कड़क इसे मत करिए, नहीं तो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगा ये। अब बचे हुए ऑयल में हम डालेंगे। दो तीन तेज पत्ता, कूटा हुआ अदरक, लहसुन, मिर्चा, जीरा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जैसे कलर के लिए होता है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता है। और फटाफट से इसमें हम प्याज को डालेंगे। प्याज को चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर को हम एक ही साथ डाल देते हैं। फ्रेंड्स,
इसमें हम आलू को भी डाल देते हैं। तीनों को मैंने एक साथ ही डाल दिया और इसे हम पकने देते हैं लो फ्लेम पे। 15 मिनट बाद इसे हम फिर से चलाएंगे ताकि आलू टमाटर प्याज जो भी है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। इसी वजह से इसे हम ढक देते हैं। तो 15 मिनट वेट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हो प्याज टमाटर आलू सब कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। और एक साथ में सब गल चुका है। आलू भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है इसके साथ में ही। मैंने यहाँ थोड़ा गरम मसाला लिया है, इसे हम हल्का सा कूट देंगे, कूट के तो इसमें डालेंगे। मैंने मसाले को कूट लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम ले रहे हैं, आपको जितना टेस्ट पसंद हो आप ले सकते हो। और एक चम्मच तीखा मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। एक चम्मच हम ले रहे हैं एवरेस्ट का सब्जी मसाला, मैंने गरम मसाला डाल दिया है, सब्जी मसाला डालेंगे। थोड़ा सा और ले लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने मसालों को डाल दिया है, अब इसे हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हल्दी और उसके बाद हम डालेंगे फ्राई किया हुआ परवल। तो यहाँ मैंने सभी चीजों को डाल दिया जो चीज चाहिए सब्जी के लिए। अब इसे हम मिक्स करके ढक देंगे मसाले को पकने के लिए। तो इसमें हम थोड़ी ग्रेवी के लिए पानी का यूज करेंगे, मुझे ग्रेवी चाहिए इस वजह से। तो अब इसे हम ढक देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो सब्जी का मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में हम पानी डालेंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए इसमें। आधा गिलास के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें और गैस का फ्लेम हाई कर देती हूँ। हाई फ्लेम पे सब्जी पक जाएगी। इसे ढकना पड़ेगा 2-3 मिनट के लिए। फ्रेंड्स ये हमारी आलू परवल की डिलीशियस सी सब्जी बनके रेडी है, आप देख सकते हो। अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और फटाफट से इसे हम डिश आउट कर लेंगे। फ्रेंड्स आइए फटाफट सर्व के लिए निकालते हैं। मुझे पता है आपको हमारी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। आलू परवल की सब्जी इस तरीके से आप एक बार बना के जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और कम समय में बन जाती है और ज़्यादा मसालों का भी कोई झंझट नहीं है। घर के बेसिक मसालों से मैंने इसे बनाया हुआ है, तो आप सब भी एक बार बना के इसे जरूर ट्राई करें, जरूर पसंद आएगा आप सभी को। बनाएं, खाएं और एंजॉय करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।